हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान और सुंदर सा डिज़ाइन, जिसे आप लेडीज़, गर्ल्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। 10 सिलाइयों का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन के लिए हमें 9 के मल्टीपल फंदे चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैंने इस सिलाई में 36 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारी के लिए टोटल 38 फंदे डाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने। 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे। अब ये जो 3 फंदे हैं, 3 फंदों में से हमने ये सबसे पिछले फंदे को पहले 2 फंदों के ऊपर से उतार देना है। ऐसे उतारने के बाद एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने। ऐसे हमने 3 फंदों से फिर 3 फंदे बना लेने। ये 3 फंदे बुनने के बाद धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने। ऐसे हमारा 9 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इसी पैटर्न को हमने लास्ट के एक फंदे तक रिपीट करना है। 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे। ये 3 फंदों में से पिछले फंदे को पहले 2 फंदों के ऊपर से उतार दें। उतारने के बाद एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, फिर एक फंदा सीधा बुने। ऐसे ये 3 फंदे बुनने के बाद धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने। फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। अब धागा पीछे और किनारी वाला फंदा सीधा बुने। 2 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने। ऐसे ये हमारा 9 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने लास्ट के एक फंदे तक इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने। इसी पैटर्न को आगे रिपीट करते जाएं। ये लास्ट में धागा आगे और किनारी वाला फंदा उल्टा बुने। 3 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने। 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे। अब ये एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, इन 2 फंदों को मिलाकर दोनों को एक साथ बुन के 2 का एक बनाएं। ये 2 का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं। धागा घुमाने के बाद अब ये उल्टा फंदा और सीधा, इन दोनों फंदों को ऐसे उतारें।
उतार कर दोबारा सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए दो का एक बनाएं। ऐसे दो का एक बनाने के बाद धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनें। ये हमारा 9 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे इसी पैटर्न को दोबारा रिपीट करें, दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, ये दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें, धागा घुमाएं, दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनें। ये हमारा दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट के एक फंदे तक हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। चार नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनें, धागा आगे, पांच फंदे उल्टे बुनें, पांच फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनें। ये हमारा 9 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इसी पैटर्न को हमने लास्ट के एक फंदे तक रिपीट करना है। दो फंदे सीधे बुनें, धागा आगे, पांच फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनें। फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। अब ये लास्ट में धागा आगे और किनारी वाला फंदा उल्टा बुनें। पांच नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुनें, धागा पीछे। अब पहले की तरह ही दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, तीन फंदे सीधे बुनें। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद फिर धागा घुमाएं, दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुनें। ऐसे ये हमारा 9 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे इसी पैटर्न को रिपीट करें, एक फंदा उल्टा बुनें, धागा पीछे, दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, तीन फंदे सीधे बुनें, फिर धागा घुमाएं, दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुनें। ये दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट के एक फंदे तक इसी पैटर्न को रिपीट करें। अब लास्ट में धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुनें। छह नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनें, धागा आगे, सात फंदे उल्टे बुनें, सात फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनें। ये हमारा 9 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे इसी पैटर्न को रिपीट करें, एक फंदा सीधा बुनें, धागा आगे, सात फंदे उल्टे बुनें, सात फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनें। अब लास्ट के एक फंदे तक इसी पैटर्न को रिपीट करें। अब ये लास्ट में धागा आगे, किनारी वाला फंदा उल्टा बुनें। सात नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुनें। तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे। अब ये तीन फंदों में से हमने पहले की तरह ही ये पीछे वाले फंदे को पहले दो फंदों के ऊपर से उतार देना है और फिर इन्हें तीन फंदे बनाना है। एक फंदा सीधा बुनें,
धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें। ये ऐसे हमने ये तीन फंदों के तीन फंदे ही बना देने हैं। इसके बाद धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुनें। ये हमारा 9 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इसी पैटर्न को हमने लास्ट के एक फंदे तक रिपीट करना है। अब ये लास्ट में धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। 8 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुने, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुने। ऐसे ही हमारा 9 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे इसी पैटर्न को दोबारा रिपीट करें, तीन फंदे सीधे बुने, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुने। अब इसी पैटर्न को हमने लास्ट के एक फंदे तक रिपीट करना है। लास्ट में धागा आगे, किनारी वाला फंदा उल्टा बुने। 9 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुने, फिर धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुने। ऐसे ये हमारा 9 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट के एक फंदे तक हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। तीन फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुने, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुने। अब हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। अब ये लास्ट में धागा पीछे और किनारी वाला फंदा सीधा। अब 10 नंबर सिलाई हमने 8 नंबर सिलाई की तरह ही बनानी है। पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुने, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुने। ये हमारा 9 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट के एक फंदे तक इसी पैटर्न को रिपीट करें। वे लास्ट में धागा आगे, किनारी वाला फंदा उल्टा हुआ। ऐसे हमने ये 10 सिलाइयाँ रिपीट करनी है और हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।